हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे प्रिंट नंबर पैटर्न विद वन और ज़ीरो एट इवन ओड कॉलम। कल हमने बात की रोज़ के बारे में, आज हम बात करेंगे कॉलम के बारे में। ओके, कल हमने रोज़ चेंज कर करके देखी थी, आज हम कॉलम चेंज करके देखेंगे। बहुत हद तक प्रोग्राम बिल्कुल सेम है। ओके ओके, अगर आपको कल का प्रोग्राम समझ में आ गया तो आप आज का प्रोग्राम इजीली समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए, अगर कुछ समझ में ना आए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, अब आते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या होगा। सी प्रोग्राम टू प्रिंट अ नंबर पैटर्न विद जी वन एंड जीरो एट इवन ऑड पोजीशन। ओके, सबसे पहले इसमें देखिए हमारी हेडर फाइल हैज इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूटर टच, हैज इंक्लूड कोनोडो टच। ओके, ये दोनों हमारी हेडर फाइल हैं। वो एडमिन हमारा मेन फंक्शन जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। फिर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करें इंट के अंदर, इंट रोज और कॉलम और आई और जे, ये सब वेरिएबल डिक्लेयर करें हमने। सबसे पहले हमें इनपुट देना पड़ेगा रोज़ और कॉलम को यूज़र के थ्रू, कि हमें कितने रोज चाहिए और कितने कॉलम चाहिए। इसलिए हमने प्रिंट एफ का यूज़ किया है। प्रिंट एफ का यूज़ क्या होता है कि कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए। सबसे पहले देखिए प्रिंट एफ में क्या लिखा है, एंटर नंबर ऑफ रोज़। सबसे पहले रोज़ इनपुट करेंगे हम, फिर उसके लिए हमने नीचे क्या दिया है स्कैन एफ में परसेंटाइल, क्योंकि हमने ऊपर इंट यूज़ किया है, और एड्रेस दिया हमने रोज़ का। और उससे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एफ में एंटर नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि कॉलम देने पड़ेंगे हमें कि हमें कितने कॉलम चाहिए। और उससे नेक्स्ट लाइन में स्कैन एफ परसेंटाइल डी, क्योंकि ऊपर इंट यूज़ किया और एड्रेस लोकेट कर दिया हमने कॉलम का। ओके, अब हमने लूप यूज़ किया है इसमें फोर लूप का। सबसे पहले इनिशियलाइज़ कर रहा है हमने आई इज इक्वल टू वन, और कंडीशन दे दी आई इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू रोज़, और आई इंक्रीमेंट होता रहेगा। और दूसरी क्या लूप लगाया हमने, फोर लूप लगाया जे इज इक्वल टू वन, और जे क्या होगा, जे छोटा होएगा कॉलम से और इक्वल होगा और जे इंक्रीमेंट होता रहेगा। ओके, अब हमने इसके बाद इफ एल्स लगाया है। ओके, इफ़ में क्या कंडीशन हमने दी है, इफ़ जो है जे जो है डिविजिबल होगा टू से और इक्वल टू इक्वल्स होगा वन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो प्रिंट करेगा ज़ीरो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो प्रिंट करेगा वन। ओके, इसके बाद हमने प्रिंट एफ में क्या कंडीशन, प्रिंट एफ में हमने लगाया स्लैशन, क्योंकि वो नेक्स्ट सिक्स लाइन में प्रिंट अपना करता रहेगा। ओके, लास्ट में गैस सी एच कंसोल स्क्रीन पे होल्ड रखने के लिए। अब हम आते हैं अपनी कंसोल स्क्रीन पे। अब आगे हम अपने आउटपुट स्क्रीन पे, सबसे पहले इसमें देखें हमने एंटर रोज़ के लिए वो इनपुट 5 और एंटर नंबर ऑफ कॉलम 5। अब इसने हमारी कॉलम दे दिए दोनों चेंज करके 0 1 0 1 0। ओके, इसी तरीके से आप भी अपने तरीके से कर सकते हैं इसे। ओके, अगर कुछ समझ में ना आए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।